हेलो एंड वेलकम टू विजम प्लस अकेडमी डेर एस्टोरेंट आज हम मोरियन आर्ट चैप्टर थर्ड ऑफ अलेवंथ एन सी कवर करेंगे फॉर पीडीएफ यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ऑफ विजम प्लस अकेडमी एंड आल्सो फ्री एजुकेशन पेज ऑन फेसबुक एंड आल्सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब विजन प्लस अकेडमी वट टू रीड इन दिस चैप्टर लेट सी देखिए इस चैप्टर में हम कवर करेंगे पिलर्स ऑफ मोरियन पीरियड पर्टिकुलरली सरनाथ पिलर जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है जिसको इंडिया ने चूज किया एज नेशनल एम्बलम ठीक है उसके बाद हम देखेंगे मोरियन पिलर्स एंड एक पिलर्स में डिफरेंसेस क्या है देन रॉक आर्किटेक्चर ऑफ मोरियन पीरियड पर्टिकुलरली हम पढ़ेंगे यहाँ पे केव्स जैसे लोमास रेशी केव ठीक है उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्रपचर्स एंड पर्टिकुलरली यहाँ पे पढ़ेंगे हम यक्षिणी एंड यक्ष फिगर्स ठीक है देखिए जो सिक्स सेंचुरी बी थी इट वॉज़ वेरी इंपॉर्टेंट सेंचुरी बिकॉज बहुत सारे रिलिजनस का जन्म हुआ था बिगनिंग हुई थी ठीक है पर्टिकुलरली इन द नॉर्दर्न इंडिया में द प्रोमिनट रिलिजनज वे आर बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म ये दोनों रिलिजनज श्रमण ट्रेडिशन के पार्टज थे देखिए श्रमण ट्रेडिशन एक ऐसा ट्रेडिशन था एक ऐसा कल्ट था लोगों का जिस ट्रेडिशन के लोग अपने घर छोड़कर फॉरेस्ट में चले जाते थे जंगल में चले जाते थे एंड बिकम साधु और प्रिस्ट ठीक है एंड दे आर लिविंग वेरी सिंपल लाइफ ऑस्टियर लाइफ ठीक है देखिए जो बुद्धिज़्म है और जैनिज़्म दोनों रिलिजनज अपोजिट थे वर्ना सिस्टम और कास्ट सिस्टम ऑफ द दे हिंदुजम देखिए अगर आप एंशंट इंडिया की बात करेंगे हिंदुजम में फोर इंपॉर्टेंट कास्टस थे वन वाज ब्राह्मनज जिसको अपर कास्ट माना जाता था teachers, doctors, Then, class, दे वायर पर्टिकुलरली टीचर्स दे वायर डॉक्टर्स ठीक है देन क्षेत्रियास दे वायर रूलिंग क्लास ऑफ द हिंदू हिंदुजम ठीक है देन वेशियास दे वायर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स ठीक है एंड शुद्रास देर लवर क्लास जिनको हम अनटचेबल भी बोलते हैं ठीक है अब हम देखेंगे पिलर्स ऑफ मोरियन एम्पायर ठीक है जूरिंग अशोका, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मोरियन एम्पायर लार्ज नंबर ऑफ द पिलर्स वे आर ठीक है और ये जो पिलर्स थे मोरियन एम्पायर के देर पर्टिकुलरली सिम्बलाइजिंग बैटल विक्ट्रीज जंग की जीत सरमनज और स्पीचेज ऑफ द रोलर्स एंड इन इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाई द रोलर्स ठीक है देखिए जो एवरेज हाइट थी मोरियन एम्पायर पिलर्स की इट वाज अबाउट फोर्टी फीटस एंड नाइन्टी परसेंट ऑफ द मोरियन पिलर्स वायर मेड अप ऑफ चुनार सैंड स्टोन ठीक है देखिए हर एक पिलर के फोर इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं वन इज़ कॉल्ड मानोलिथिक शैफ्ट बिकॉज ये एक ही राक से बनाया जाता था देन कैपिटल इट वॉज एदर लोटस और बेल शेपडस इट वॉज सर्क्युलर और इट कुड बी रेक्टेंगुलर देन एनिमल फिगर ऑन द एबेकस इट वॉज एदर हॉर्स एलिफेंट लाइन आर बुल मैं आपको यह समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ डायाग्राम ठीक है डॉट वेरी देखिए जो टॉप मोस्ट सिंबल है पिलर का इसको हम बोलते हैं एनिमल कैपिटल यहां पर यह एनिमल कैपिटल लाइन की है बट इट कु बुल हार्स और एलिफेंट ठीक है shape, ना एनिमल के फ्रंट साइड पर आपको दिखता होगा ये व्हीलर -like इस व्हील लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं धर्मचक्र व्हील और इस धर्मचक्र व्हील में ट्वेंटी फोर सुपोक होते हैं कभी कभी पूछा जाता है आप बताइए धर्मचक्र व्हील में कितने सुपोकस है ट्वेंटी फोर इन नंबर ठीक है ये जो एबेक्स है इस पर फोर एनिमल फिगर्स भी बनाए गए हैं वन इज अ बुल हॉर्स एलिफेंट एंड लाइन और ये जो एनिमल्स हैं आपको ऐसा दिखता है कि दे आर रिवॉल्विंग दे आर रोटेटिंग इन क्लाक वाइज डायरेक्शन सच में ये रोटेट नहीं कर रहे हैं दे आर फिक्स्ड बट इट शोज ग्लैमरसनेस ऑफ द आर्ट ऑफ द मोरियर पीरियड ठीक है ना और एबेकस के नीचे आपको दिखता होगा इनवर्टेड सिंबल ऑफ द लोटस इसको हम बोलते हैं कैपिटल यहां पर ये कैपिटल इन्वर्टेड लोटस है बट इट कुड आल्सो बी बेल बेलशिप स्ट्रक्चर ठीक है ना इसके नीचे जो ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं मानोलिथिक शैफ्ट मानो का मतलब होता है सिंगल एंड लिथ का मतलब होता है स्टून और रॉक इसको हम इसीलिए मानोलिथिक शैफ्ट बोलते हैं बिकॉज इसको कार आउट किया जाता है फ्रॉम द सिंगल रॉक ये जो पिलर है इट इज़ मेड अप ऑफ ऑनली वन रॉक ये रॉक पीसीज नहीं होते हैं जिनको ज्वाइन करते हैं विद हेल्प ऑफ सीमेंट और समथिंग एलस इट इज़ अ सिंगल रॉक जिसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है जिसको पिलर के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया जाता है ठीक है ना अब हम देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन एक्मियन पिलर्स एंड मोरियन पिलर्स ठीक है देखिए ये जो एक्मेनियन पिलर्स थे इनको बनाया जाता था बाय जॉइनिंग वेरियस रॉक पीसेस टुगेदर फॉर एग्जांपल, जो एनिमल कैपिटल थी इसको वन रॉक पीस से कंस्ट्रक्ट किया जाता था देन एबकस इसको अनदर रॉक पीस से कंस्ट्रक्ट किया जाता था देन जो कैपिटल थी इसको अनदर रॉक पीस से कंस्ट्रक्ट किया, किया जाता था एंड शैफ्ट जो है इसको अनदर रॉक पीस से कार्व आउट किया जाता था देन ये जो एबैक्स है शैफ्ट है इनको ज्वाइन करते थे विद सीमेंट लाइक एडेसिव और बनाया जाता था एकेमे पिलर ठीक है वाइल जो मोरियन पिलर थे इनको कार्व आउट किया जाता था फ्रॉम ओनली वन रॉक यानी एक रॉक जो है इसी को कन्वर्ट किया जाता था मोरियन पिलर में ठीक है ये जो एकेमेनियन पिलर्स थे दे वर आर अटैच टू एकेमैनियन एम्पायर बिल्डिंग के साथ बिकॉज ये जो एकेमेनियन पिलर्स थे दे वर नॉट एज स्ट्रांग एज मोरियन पिलर्स इसीलिए फॉर सपोर्ट परपजेज एकेमैनियन पिलर्स को बिल्डिंग के साथ अटैच किया जाते थे ठीक है लेकिन ये जो मोरियन पिलर्स हैं दे वायर वेरी स्ट्रांग इसीलिए इनको इंडिपेंडेंटली अनी वायर इरेक्ट किया जाता था ठीक है ये जो मोरियन पिलर्स थे दे वायर फाउंड ऑल ओवर द मोरियन एम्पायर ठीक है ना देखिए मैंने आपको ऊपर पढ़ाया पिलर्स इनके ऊपर सर्कुलर और रेक्टेंगुलर एबकस होता था एंड एबकस पर एनिमल कैपिटल पाए जाते थे पर्टिकुलरली आप दुल हार्स एलिफेंट एंड लॉन ठीक है ना देखिए मोरियन पिलर्स हैविंग एनिमल कैपिटल्स ऑन दम इनको लोकेट किया गया है फ्रॉम वेरियस प्लेसेस जैसे फ्रॉम सरनाथ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पिलर बिकॉज इसको चूज़ किया गया है एज एम्बलम ऑफ द the इंडिया देन फ्रॉम सनकीजा रामपुरवा लौरिया नंदागढ़ एंड बसारा बारा दीज आर द एरियाज जहां पर मोरियन पिलर्स विद एनिमल कैपिटल्स फाउंड किए गए हैं लोकेट किए गए हैं ठीक है, है. अब हम देखेंगे एम्बलम एंड सरनाथ लाइन कैपिटल पिलर ठीक है देखिए जो लाइन कैपिटल पिलर है सरनाथ उत्तर प्रदेश में जिसको अशोको ने बनवाया था द ग्रेटेस्ट रोलर ऑफ मोरियन एम्पायर अबाउट हंड्रेड ईयर्स एगो इंडिया ने इसको चूज किया एज इट इज नेशनल एम्बलम ठीक है ना ये जो लाइन कैपिटल पिलर है सरनाथ उत्तर प्रदेश में इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे इट इज़ हैविंग सर्कुलर एबाकस मैंने ऊपर आपको दिखाया व्हाट इज कॉल्ड सर्कुलर एबाकस एंड सर्कुलर एबकिस पर फोर एनिमल फिगर्स को दिखाया गया है जैसे लाइन बुल हार्स एंड की फिगर्स ठीक है एंड दीज एनिमल फिगर्स आर रिवॉल्विंग इन क्लाकवाइज डायरेक्शन ओके देखिए अशोक ने इस पिलर को इसलिए बनवाया था इन आर टू सेलिब्रेट कमरेट एंड टू रिमेम्बर धर्मचक्र परिवर्तन दैट इज फर्स्ट स्पीच और सैरमन ऑफ लॉर्ड बुधा आप लोगों ने सुना होगा लॉर्ड बुधा ने फर्स्ट स्पीच दिया था सरनाथ उत्तर प्रदेश में एंड इन आर टू कमरेट डेड स्पीच अशोक ने लाइन कैपिटल पिलर को बनवाया था ठीक है ये जो सर्कुलर एबकस है इसमें एक क्राउनिंग व्हील है जिसको हम बोलते हैं धर्मा चक्रा एंड धर्मा चक्रा में ट्वेंटी फोर होते हैं ठीक है जस्ट बिलो एबकस वहां पे लिखे गए हैं द वर्ड सतीम विजेते यानी सच्चाई हमेशा जीतती है आपसे पूछा जाएगा आप बताइए जो वर्ड्स हैं सती में विजेते ये किस बुक से ले गए हैं दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम मुंडा का उपैनिषद आप जानते होंगे जो उपैनिषद्स हैं दीज आर द फिलोसफिकल बुक्स ऑफ हिंदू रिलीजन ठीक है religion, और ये जो वर्ड्स हैं सती में विजेते जस्ट बिलो एबकस इनको लिखा गया है इन द फॉर्म ऑफ दीवानगिरी स्क्रिप्ट ठीक है आई होप इतना आपको समझ में I'll uh, get a yeah, hold